आज हम बात करने वाले हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो क्या होता है ये, तो इसको समझने के लिए ऊपर वाले डायग्राम देखो। तो क्या हो रहा है ये कि एक लो टेंपरेचर रिजर्वायर आ रहा है जो आपका फ्रिज है, कुछ काम हो रहा है उसके ऊपर, वर्क डन हो रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी में आप देते हो, और वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है क्यूक्यू अमाउंट ऑफ हीट आपके फ्रिज से, और वर्क और क्यूक्यू अमाउंट ऑफ हीट मिल के जा रहा है इधर क्यू वन में, सही है। और तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्यू वन कितना हुआ, क्यू वन हुआ क्यू टू प्लस डब्ल्यू, सही है। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ कितना हुआ कितना हुआ, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क हुआ आपका क्यू वन माइनस क्यू टू जो पहले था, वही सेम का सेम, ठीक है। अभी इसके अंदर इफिशियंसी नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर इफिशियंसी नहीं होती, इसके अंदर होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है कि भाई कितना आपने क्यू टू हीट निकाला अपॉन कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक है। तो ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हीट होता, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है। तो डन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बार बार गिर रखी गई है।